Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are doing well. I am also good. My name is Miss Muskan and I am your Urdu teacher. So let's go to the topic. तो प्यारे बच्चों, ये है आप लोगों का मंथली टेस्ट का सिलेबस। तो प्यारे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को मंथली टेस्ट से पहले सिलेबस दिया जाता है और हम लोग सारी तैयारी सिलेबस में से देखकर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी उर्दू के बारे में। ये है हमारे मंथली टेस्ट का सिलेबस। तो हमने सारी तैयारी इसमें से देख के करनी है और मैं आप लोगों को बताऊंगी उर्दू सिलेबस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बुलंद ख्वानी पढ़िए और सीखिए। सफ़ा नंबर हमें 1 से लेकर 23 तक पढ़िए और सीखिए बुक में से प्रैक्टिस करनी है अपने मंथली टेस्ट के लिए। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद नज़में, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को क्लास में हम पढ़ते हैं नज़में, अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मान, और हाथी मुर्गी और चिड़िया, ये सारी पोएम्स आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, पढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है। ये आप लोगों के पेपर में आएंगी। उसके बाद है इमला, अलिफ से ज़ुआद की आधी अशकाल। तो प्यारे बच्चों, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद है लिखाई खुशखती सफ़ा नंबर 2 से 6 और कापी सफ़ा नंबर 3, 15, 31 और 32। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बुलंद ख्वानी की, पढ़िए और सीखिए सफ़ा नंबर 1 से 23 हम अच्छी तरह पढ़ेंगे और याद करेंगे, क्योंकि ये हमारे पेपर्स में आएगा। तो प्यारे बच्चों, निकालिए उर्दू पढ़िए एंड सीखिए सफ़ा नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 1 पे अलिफ। अलिफ से स्त्री, अलिफ से स्त्री। और प्यारे बच्चों, ये प्याले के अंदर क्या है? अलिफ से अचार, अलिफ से अचार। और प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में ढूंढिए अलिफ से क्या क्या है। अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अमरूद, अलिफ से अनार, अलिफ से अबू, अलिफ से अलमारी और अलिफ से अखबार। तो प्यारे बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अलिफ, अलिफ से स्त्री, अलिफ। तो प्यारे बच्चों, अब निकालिए उर्दू पढ़िए एंड सीखिए सफ़ा नंबर 2। सफ़ा नंबर 2 पे है बे। आज हम पढ़ेंगे बे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बे पढ़ा चुकी हूँ, तो मेरे साथ साथ पढ़िए बे। बे के नीचे एक बे से बंदर, बे से बकरा, बे से बिस्तर, बे से बल्ब, बे से ब्रश और बे से बिल्ली। इस तस्वीर में तलाश करिए बे से क्या क्या आता है। बे से बच्चे, बे से बारिश, बे से बिजली, बे से बादल, बे से बत्तख। तो प्यारे बच्चों, इस सफ़े को भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। अब निकालिए सफ़ा नंबर 3। 3 पे है पे। पे के नीचे 3 नुक्ते। पे से पाकिस्तान, पे से पत्ता और पे से पतंग। पे से, इस तस्वीर में तलाश करिए पे से पालक, पे से पतीली, पे से पपीता। अब निकालिए सफ़ा नंबर 4 पर है ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते। ते से तराजू, ते से तौलिया, ते से तोहफा, ते से तकिया और ते से तीर। ते के ऊपर 2 नुक्ते। अब इस तस्वीर में तलाश करिए ते से तरबूज, ते से तरबूज, ते से तितली, ते से तमाशा, ते से ताली और ते से। प्यारे बच्चों, मेरे साथ गिनिए 1, 2, 3, 3 ताले। ते के ऊपर 2 नुक्ते। अब निकालिए सफ़ा नंबर 5। सफ़ा नंबर 5 पे है टे।
टे से टेलीफोन, टे से टेलीविज़न, टे से टमाटर और टे से टोकरी। अब इस तस्वीर में तलाश करना है आप लोगों को टे से टॉफी, टे से टक्कर, टे से टूटना। तो प्यारे बच्चों अब निकालिए सफ़ा नंबर 6 से। से के ऊपर तीन नुक्ते, से समर, से समर, से समीना, से साकेब। प्यारे बच्चों ये है लाल, ये क्या लिखा हुआ है लाल, लाम अलिफ ला लाम साकिन लाल, लाल फूल, लाल जूते, लाल गेंद, लाल बैग और लाल कमीज़। ये सारी चीज़ें लाल हैं, लाम अलिफ ला लाम साकिन लाल रंग की हैं, लाल। अब निकालिए सफ़ा नंबर 7। ये बिल्ली है। प्यारे बच्चों ये क्या बना हुआ है, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ इसी तरह आप लोगों ने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना है। ये बिल्ली है, ये गेंद है, ये गुड़िया है, वो जहाज़ है, वो घर है, वो परिंदा है, ये बच्चा है, वो चांद है। तो प्यारे बच्चों अब निकालिए सफ़ा नंबर 8। जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम से जहाज़, जीम से जलेबी, जीम से जीव। इस तस्वीर में भी तलाश करना है और जीम से ज़्यादा पढ़ें। जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता। सफ़ा नंबर 9। चे, चे के पेट में तीन नुक्ते, चे से चील, चे से च्यूटी, चे से चिड़िया। इस तस्वीर में भी तलाश करिए। चे से चीनी, चे से चावल, चे से चने। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और याद करें इसको। चे, चे के पेट में तीन नुक्ते। अब निकालिए सफ़ा नंबर 10। हे, हे से हैरत, हैरान। प्यारे बच्चों देखिए ये बच्ची हैरान हो रही है तो हे से हैरान, हे से हलवा, हे से हजाम, हे से हलीम, हे से हौज। अब निकालिए सफ़ा नंबर 11। खे, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे से, खे से खत, खे से खतरे का निशान, खे से खुश। और इस तस्वीर में भी तलाश करिए क्या क्या आता है। खे से खैमा, खे से खुशबू की बोतल। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। खे, खे के ऊपर एक नुक्ता। सफ़ा नंबर 12। तो प्यारे बच्चों ये देखिए ये लिखा हुआ है नीला, नून ये लाम अलिफ नीला। तो ये सारी चीज़ें नीले रंग की हैं। नीला आसमान, नीली कमीज, नीला पानी, नीला जूता, नीला कलम, नीला फूल। ये सारी चीज़ें नीले रंग की हैं। नीला, नून ये लाम अलिफ नीला। ये क्या है, ये फूल है, ये फूल है, वो क्या है, वो जूते हैं, ये अम्मी हैं, ये अम्मी हैं, वो अब्बू हैं। अब निकालिए सफ़ा नंबर 13। दाल, दाल से दांत, दाल से दही, दाल से दर्जी, दाल से दर्जी, दाल से दही, दाल से दांत, दाल से दलिया, दाल से दरख्त, दाल। अब निकालिए सफ़ा नंबर 14। डाल, डाल के ऊपर छोटी तुएं, डाल, डाल से डॉक्टर, डाल से डब्बा, डाल से डोर, डाल से डोल। तस्वीर में तलाश करिए। डाल से डाकिया,
दाल से डुगडुगी, दाल से डबल रोटी, दाल। अब निकालिए सफ़ा नंबर 15, जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल से ज़खीरा, जाल से ज़रात, ज़र्रे, जाल से ज़र्रे, ये छोटे छोटे ज़र्रे हैं, जाल से ज़र्रे। तो प्यारे बच्चों अब मेरे साथ पढ़िए अलिफ से जाल तक, अलिफ, बे, पे, ते, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और याद करिए। अब निकालिए सफ़ा नंबर 16, रे, रे से रात, रे से रात, रे से रेडियो, रे से रुई, रे से रक्षा। इस तस्वीर में तलाश करना है अब आप लोगों ने, रे से रेलगाड़ी, रे से रिमोट, रे से रीच, रे। अब निकालिए सफ़ा नंबर 17, रे, रे के ऊपर छोटी तुए, रे। प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि रे से कोई अल्फाज शुरू नहीं होता, लेकिन जिस अल्फाज में रे आता है वो हैं, रे से पहाड़, रे से पहाड़, रे से जड़, रे से रे आता है जड़, गुड़, गुड़। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे नया लफ्ज़, कौन कहाँ का तारुफ। अम्मी कहाँ हैं, अम्मी किचन में हैं। अब्बू कहाँ हैं, अब्बू दफ्तर में हैं। वो कौन है, अम्मी, वो कौन है, अब्बू। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए इसको और निकालिए सफ़ा नंबर 18, ज़े, ज़े के ऊपर एक नुक्ता, ज़े के ऊपर एक नुक्ता, ज़े से ज़ीरा, ज़े से ज़राफ़ा, ज़े से ज़ेब्रा, ज़े से ज़र्दी। इस तस्वीर में तलाश करिए, ज़े से ज़ेवर, ज़े से ज़ंजीर, ज़े से ज़ुकाम। सफ़ा नंबर 19, ज़े, ज़े के ऊपर तीन नुक्ते, ज़े, ज़े के ऊपर तीन नुक्ते। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़े से सिर्फ एक अल्फाज शुरू होता है, ज़ालाबारी, ज़ालाबारी। और जिन अल्फाज में ज़े आता है वो हैं अज़्ज़हा, ये हैं अज़्ज़हा, टेलीविज़न। तो प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है पीला, पे, ये, लाम, अलिफ, पीला, पे, ये, लाम, अलिफ, पीला। तो प्यारे बच्चों यहाँ की सारी तस्वीरें पीले रंग की बनी हुई हैं, पीला सूरज, पीला आम, पीला जर्दी, पीला फूल और पीली कमीज। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अब निकालें सफ़ा नंबर 20, सीन, हम पढ़ेंगे सीन, सीन से, सीन से सिपाही, सीन से सफ़ेद, सीन से सुराख, सीन से साइकिल और सीन से सेब, सीन से सांप, सीन से समंदर, सीन से साहिल। ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें निकालें। 21, सफ़ा नंबर शीन, शीन से शेर, शीन से शुतुरमुर्ग, शीन से शेर, शीन से श्याम, शीन से शलजम। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अब निकालिए सफ़ा नंबर 22, स्वाद, स्वाद से सफ़ा, स्वाद, स्वाद से सफ़ा, स्वाद से सिफर, स्वाद से सिराही। और ये क्या है तस्वीर में तलाश करिए, स्वाद से सोफ़ा, स्वाद से संदूक, स्वाद से साबुन। अब निकालिए सफ़ा नंबर 23, द्वाद, स्वाद, द्वाद, ज्वाद से स्वाद, ज्वाद, ज्वाद से ज़ईफ़, ज्वाद से ज़ईफ़, ज्वाद से ज़ाया। ये बच्चा इस दूध को, पानी को ज़ाया कर रहा है, ज़्वाद से ज़ाया।
प्यारे बच्चों मेरे साथ पढ़िए, ये क्या है? ये किताब है। ये क्या है? ये किताब है। वो क्या है? वो गेंद है। वो गेंद है। ये क्या है? ये गुड़िया है। ये गुड़िया है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह मैंने आप लोगों को अलिफ से लेके ज़्वाद तक पढ़ाया है, इसी तरह आप लोगों ने भी घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, याद करना है। ये आप लोगों के पेपर्स में आएगा, अच्छे से इसको पढ़ें और याद करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। तो प्यारे बच्चों, बुलंद ख्वानी पढ़िए और सीखिए, सफ़ा नंबर 1 से 23 में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और याद करिए। उसके बाद है नज़में, अलिफ से अल्लाह को पहचान, हाथी, मुर्गी और चिड़िया। ये नज़में आप लोगों को क्लास में हम याद करवा चुके हैं, अपनी उर्दू की बुक से आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है और याद करनी है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इमला के अल्फाज की, अलिफ से ज़ुआद तक आधी अशकाल। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगी, वैसे वैसे आप लोगों ने अपनी 3-in-1 कॉपी में करनी है। तो प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे इमला के अल्फाज आधी अशकाल अलिफ से ज़ुआद तक। तो प्यारे बच्चों, हम प्रैक्टिस करेंगे इमला के अल्फाज आधी अशकाल की अलिफ से ज़ुआद तक। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अलिफ की आधी अशकाल नहीं होती, अलिफ पूरा बनता है, तो हम बे से शुरू करेंगे। तो मेरे साथ जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ, वैसे वैसे आप लोगों ने अपनी 3-in-1 कॉपी में ये करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे बे। बे के नीचे एक नुक्ता, ये है बे की आधी अशकाल, बे। बे के बाद हम लिखेंगे पे। पे के नीचे 3 नुक्ते, ये है पे की आधी अशकाल, बे, पे। अब हम लिखेंगे ते। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ना किस तरह बनता है बे। ये है बे की आधी अशकाल, बे के नीचे 1 नुक्ता, पे। पे के नीचे 3 नुक्ते, अब हम बनाएंगे ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते। बे, पे, ते। अब हम बनाएंगे ते के बाद क्या आता है बच्चों? बे, पे, ते, ते। टे के ऊपर छोटी तुए, ये है टे की आधी अशकाल। अब हम बनाएंगे से। ये है से की आधी अशकाल, बे, पे, ते, टे, से। उसके बाद क्या आता है बच्चों? अब हम बनाएंगे जीम की आधी अशकाल, जीम। जीम के नीचे 1 नुक्ता, चे। चे के नीचे 3 नुक्ते, ये है चे की आधी अशकाल, हे। हे खाली। खे। खे के ऊपर 1 नुक्ता, जीम, चे, हे, खे। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह मैं बना रही हूँ, उसी तरह आप लोग भी अपनी अपनी 3-in-1 कॉपी में बनाइए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जीम, चे, हे और खे की आधी अशकाल बनाने के बाद, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और जे की आधी अशकाल नहीं होती, बल्कि वो पूरे पूरे बनते हैं। और वे के बाद क्या आता है अब? सीन। तो सीन की आधी अशकाल बनती है, तो हम बनाएंगे सीन। शीन। सीन, शीन। शीन के ऊपर 3 नुक्ते, सीन खाली। ये है सीन और शीन की आधी अशकाल। अब हम बनाएंगे स्वाद और द्वाद की आधी अशकाल,
द्वाद के ऊपर एक नुक्ता, स्वाद द्वाद, यह स्वाद और द्वाद की आधी अशकाल। तो प्यारे बच्चों मेरे साथ पढ़िए सबकी आधी अशकाल, बे पे ते टे से जीम चे हे खे सीन शीन स्वाद और द्वाद। तो प्यारे बच्चों इसकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, याद करना है और अपनी 3-in-1 कॉपी में करना है। अब हम मिलेंगे अगली। तो प्यारे बच्चों जिस तरह मैंने ये काम किया है उसी तरह आप लोगों ने भी काम अपनी 3-in-1 कॉपी में करना है और मंडे को या वेडनेसडे को अपने कोर्स के साथ जमा कराना है स्कूल में। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा